आज हम श्वेतार्क श्वेत मंदार को निमंत्रित करने आए हैं। गुलाल, अबिल गुलाल, कंकु, चोखा, पुष्प, अगरबत्ती और दिया जलाकर श्वेत मंदार को श्वेतार्क को हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे साक्षात शिव स्वरूप, मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा। मैं अपनी जो कामना जो इच्छा है वो प्रदर्शित करके उन्हें बताए कि मैं इस उद्देश्य के साथ आपको लेने आ रहा हूँ, कल लेने आऊंगा, तो आप सर्व गुण संपन्न होकर मेरे साथ कल पधारिए। ये सब चढ़ाकर उन्हें निमंत्रण दिए। हमने शुभ मुहूर्त देखकर श्वेत मंदार को शनिवार के शाम निमंत्रण दिया था। निमंत्रण देने के बाद रविवार सुबह शुभ मुहूर्त पर हम उनकी खुदाई करेंगे। एक दो कारीगर को भी साथ लाए हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे निकाले, तो धीरे धीरे खुदाई करके एक एक मूल को साफ करते हुए उन्हें निकालने का है। ये बहुत बड़ा और बहुत पुराना श्वेतार्क का पौधा है। वैसे तो वृक्ष की तरह बड़ा था, इसलिए ये पौधा या वृक्ष कह सकते हैं, इतना बड़ा था। पर अगले साल उन्हें काट दिया था कुछ काम की वजह से, तो आज फिर से बारिश के मौसम में इनके ये थोड़ी शाखाएं निकली है, तो आज अगले दिन उन्हें इनके आसपास मिट्टी को साफ करके पूरे पूरा निकालने का प्रयत्न करेंगे।
श्वेतार्क का रूट अंदर से उनकी जड़ें इतनी फैली हुई और अंदर जा चुकी थी कि पूरे वृक्ष को निकालना असंभव है। तो हमने 6x6 मतलब 6 फुट की चौड़ाई के नाप लेकर निकालने का काम चालू किया और हमें जो बहुत बड़ी जड़ थी उनको वैसे ही रहने दिया। आप देख सकते हैं कि जब हम खुदाई कर रहे थे, श्वेतार्क की जड़ को निकाल रहे थे, तो एक नेवला आ रहा है, धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहा है। वो देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाता है, वहीं से भी घूर के देखता है, देखता ही रहता है। उनकी इच्छा हमारे पास आने की थी, वो बिल्कुल नजदीक ही था, पर वो नहीं आ सका। एक बड़े पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया और वहां से हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। तब जो खुदाई करने वाले वो मजदूर थे, उन्होंने उसे वहां से भगाया तो फिर भाग गया और हमारा काम चलता रहा खुदाई करने का। आप देख सकते हो बहुत बहुत पुराना, मतलब मैं कम से कम 25 साल से तो मैं देख रहा था। आप जो लोग जानकार है वो जान जाएंगे कि इतनी बड़ी रूट अंदर भी इतनी, बिल्कुल नीचे भी इतनी, चारों तरफ रूट ही रूट, बड़ी बड़ी रूट। अब हमने चारों ओर से काट दिया है और देखते हैं
कि श्री गणेश जी का आकार कितना दिखता है, उनमें से जो भी हमें सबसे अच्छी लगेगी कृति गणेश जी की, वो हम रख लेंगे। वैसे तो अगर मंदिर है तो ये पूरा का पूरा आप गणेश जी स्वरूप साक्षात गणेश जी के रूप में इन्हें स्थापित कर सकते हैं, पर घर में तो इतनी बड़ी जगह नहीं हो सकती, इसलिए हम इनमें से उन्हें पहले घर ले जाएंगे, वहां उन्हें बराबर अच्छी तरह से धोएंगे, फिर गंगा जल से साफ करेंगे, स्नान कराएंगे, उसके बाद उनमें से जो भी आकृति हमें पसंद आएगी, बहुत सारे गणेशा उनमें हमें दिखने लगते हैं, पर आपको जो पसंद हो वो आप रख कर छोटा कर ले। बहुत बहुत बड़ा रूट है ये, आप देख सकते हो। अब हम उन्हें पानी से साफ करेंगे ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो साफ हो जाए, उनकी शाखाएं रूट की शाखाएं इतनी बड़ी है कि आप प्रसन्न हो जाओगे, बहुत बहुत बड़ी है। हम लोग भाग्यशाली है कि इतने बड़े श्वेतार्क को पा सके और इतने पुराने श्वेतार्क को मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपके घर में ये है तो फिर जानकार जान सकते हैं कि इनसे क्या हो सकता है। हम तो हमारा अहोभाग्य समझते हैं, अब उसे धोकर उनमें से गणेशा की स्टैच्यू निकालेंगे, फिर उसे शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से मंदिर के अंदर स्थापन करेंगे।